तेरे कलेजे में ठंडक। बोल, खुश हो गई ना? एक बार फिर मेरी नाक कटवा के। बोल, वो तो चाहती क्या है मरने? चाहती क्या है? मम्मी, इस झूठ के साथ अब और जीना नहीं चाहती। अब समझती क्यों नहीं हो? ये झूठ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मम्मी, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। मुझे आज सच बोलना ही था। सच बोलना था? कौन सा सच? बोल सीरत, क्या कहा तूने? बोल। वही सच जो आज सीरत दी ने पूरे ब्राड परिवार को बताया है। आपने सीरती के विवाह के बारे में मुझसे छुपाना चाहा, लेकिन मुझे पता चल गया। किस सच की बात कर रही हो तू साहिबा? क्या किया सीरत ने? सीरत आज हमारे घर आई थी। गैरी का पर्दाफाश करने के लिए। गैरी का पर्दाफाश करने? साहिबा, जवाई जी क्या कह रहे हैं? ब्याह वाले दिन सीरत ने जिस लड़के के साथ भागी थी, वो अंगद का छोटा भाई गैरी था। शाबाश तेरे जम्मन वाले दे। मैंने तुझसे कहा था, अपनी जबान पर गैरी का नाम मत लेकर आना सीरत। तुम जब आपको गैरी के बारे में पता था? मुझे पता था। मैंने कहा था इसे मत बोलना, गैरी का नाम मत लाना अपनी जबान पे, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बात का असर तेरे और जवाई जी के रिश्ते पर पड़े। सच छुपाने से ना तो कोई रिश्ता बच सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने हमारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी, गलत किया था आपने। लेकिन ब्याह वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आज तक मैं और मेरा परिवार यही सोच रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो आप सबकी सोची समझी साजिश थी। आपने और आपकी बेटियों ने मिलकर ये सब प्लान किया था, लेकिन आज सच सामने आने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ है कि ये हमारी गलत फहमी थी। सीरत को ब्याह से भगाने में ना तो आपका हाथ था, ना ही साहिबा का और ना ही सीरत का खुद का। सीरत को शादी से भगाने वाला मेरा अपना भाई था गैरी। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। पुत्र, नहीं, उसने ही क्यों? आप लोगों को मेरे भाई की वजह से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी है।
मैंने और मेरे परिवार ने भी आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपका अपमान किया है। इस ब्याह की वजह से आप लोगों को जो कुछ भी सहना पड़ा है उसकी वजह मेरा भाई है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और अगर आप लोगों से हो सके तो मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए। जहां जी तेरी मेरी डोरियां सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।